हमने नाका लगवाया था और हम एक ब्लैक कलर की क्रेटा मिलती है, जब उसको रोका गया तो उसकी जब चेकिंग लाई गई तो उसके बीच में दो हमें सस्पिशियस करेक्टर मिले, तो जब उनकी सर्च लाई गई तो उनसे हमें चिट्टा जो है वो रिकवर हुआ है और उसी में जो है एनडीए पे जो केस है वो रजिस्टर हो जाता है। जब वो लोग अरेस्ट होते हैं तो उनसे जब फर्दर पूछताछ जो है वो बामल लाई जाती है तो उन्होंने ये कन्फेस किया है कि जो वो फायरिंग इंसिडेंट 2-3 की रात को हुआ था वो इन दोनों ने ही किया था, और इनसे इनकी डिस्क्लोजर पे हमने एक पिस्टल 16 राउंड जो है वो रिकवर किए हैं। इन दोनों के मैं नाम आपको बताता चलूँ, एक का नाम मोहम्मद हुसैन खटाना है जो मेन कल्प्रिट है जिसने फायर भी किया है, और दूसरा जो मोहम्मद रमजान है, ये दोनों रगूड़ा के रहने वाले हैं। 2-3 नवंबर की बात है, इंटरवीनिंग नाइट को एक फायरिंग इंसिडेंट होता है निकी तबी के एरिया में, तो फायरिंग इंसिडेंट में एक इरफान नाम का बंदा है जो कि गुजर नगर का रहने वाला है, वो बुरी तरह से इंजर्ड होता है, उसके ऊपर फायर किया जाता है किसी अननोन बंदों के द्वारा, तो इसमें FIR लगता है। FIR लगने के बाद इसमें मल्टी टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, कुछ लोग जो है वो CCTV फुटेज को खंगालते हैं, कुछ लोग जो है वो CDR एनालिसिस करते हैं, और कुछ लोगों को हम जो है वो राउंड अप करते हैं पूछताछ के लिए। तो उसी बीच हमें एक लीड मिलती है कि उसी रात को एक ब्लैक कलर की क्रेटा जो है निकी तभी वाले एरिया से कोई रात को निकली है, तो उसके बाद हमने जो जीरोइंग जो है वो उस पर शुरू कर दी ब्लैक क्रेटा पे। तो 10 तारीख को हमें एक सक्सेस मिलती है, हमने नाका लगवाया था और हमें एक ब्लैक कलर की क्रेटा मिलती है, जब उसको रोका गया तो उसकी जब चेकिंग लाई गई तो उसके बीच में दो हमें सस्पिशियस करेक्टर मिले, तो जब उनकी सर्च लाई गई तो उनसे हमें चिट्टा जो है वो रिकवर हुआ है, और उसी में जो है एनडीए पे जो केस है वो रजिस्टर हो जाता है। जब वो लोग अरेस्ट होते हैं तो उनसे जब फर्दर पूछताछ जो है वो बामल लाई जाती है तो उन्होंने ये कन्फेस किया है कि जो वो फायरिंग इंसिडेंट 2-3 की रात को हुआ था वो इन दोनों ने ही किया था, और इनसे इनकी डिस्क्लोजर पे हमने एक पिस्टल 16 राउंड जो है वो रिकवर किए हैं। इन दोनों के मैं नाम आपको बताता चलूँ, एक का नाम मोहम्मद हुसैन खटाना है जो मेन कल्प्रिट है जिसने फायर भी किया है, और दूसरा जो मोहम्मद रमजान है, ये दोनों रगूड़ा के रहने वाले हैं। तो इसमें एक तो वो फायरिंग इंसिडेंट केस जो हमारा है वो सॉर्ट आउट हो गया, उसके साथ साथ जो है कि इसमें NDPS का केस जो है वो रजिस्टर हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मोहम्मद रमजान है ये हमारे जम्मू थाने का ही एक किसी केस में एब्सकॉन्डर भी है, और ये काफ़ी केसेस में मुलब्बस है। मैं अभी ये दो केसों में बुक होगा, जब जहाँ से ये कहीं बेल आउट होता है तो पिट NDPS हो, PSA हो, इसके खिलाफ जो है वो फर्दर कार्रवाई जो है वो लाई जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें DSP हेडक्वार्टर साहब हमारे अशोक जी, SHO नवाबाबाद हमारे दीपक जी, चौकी अफसर हमारे कैनाल रोड दर्शन जी, और हमारे PSA जो है तारिक, इन्होंने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जम्मू की जो क्यादत आज की डेट में SSP जोगिंदर सर ने संभाली हुई है, तो जब से वो आए हुए आपने देखा होगा कि NDPS के खिलाफ जो है ठीक ठाक कार्रवाइयाँ जो है जम्मू में हो रही हैं, और हमारी जितनी भी सीनियर फॉर्मेशन है टॉप रैंक से लेकर उन सबका क्लियर मैसेज है ड्रग्स को लेकर कि जम्मू एटलीस्ट जम्मू में जीरो टॉलरेंस है, कि जो भी लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे आने वाले दिनों में उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो की जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 की रात को जो इंसिडेंट हुआ है उससे एक दिन पहले ये जो इसमें जो मेन अक्यूज हमारा है मोहम्मद हुसैन खटाना, ये ड्रग्स लेने के सिलसिले में निकी तभी में एक नोटोरियस ड्रग पैडल के पास जाता है, तो उनके बीच में कोई पैसों को लेकर थोड़ी सी कहा सुननी होती है, और जो वो वाला ड्रग्स स्मगलर निकी तभी वाला है उसने इस अक्यूज को जो है वो स्लैब्ड किया, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए ये बंदा उस दिन पूरी तैयारी में गया था पिस्टल शिस्टल लेके कि आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इन बिटवीन क्या होता है, जब उसके घर के पास पहुंचने वाला था तो ये जो इरफान है लड़का जो इसमें इंजर्ड हुआ है वो उसको मिल जाता है, और इसको ये शक होता है कि ये शायद ये जो बंदा है ये इन्फार्मर है, तो उन्हें उसको बिल्कुल मारने की कोशिश की है। तो आज की डेट में वो इरफान जो है वो स्टेबल है। सो जम्मू पुलिस का बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज नो मतलब ड्रग जितनी भी पैडलिंग जम्मू में, हमने नाका लगवाया था और हमें एक ब्लैक कलर की क्रेटा मिलती है, जब उसको रोका गया तो उसकी जब चेकिंग लाई गई तो उसके बीच में दो हमें सस्पिशियस करेक्टर मिले, तो जब उनकी सर्च लाई गई तो उनसे हमें चिट्टा जो है वो रिकवर हुआ है। और